आपने बच्चेदानी की सफाई करवाते करता थक गया, बच्चेदानी की सफाई होते होते थक गए आप, लेकिन फिर भी गाय भैंस प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, या समय से हीट पे नहीं आ रही है, या हीट पे आ रही तो उसके साथ पस भी आ रहा है, और हम बच्चेदानी सफाई सफाई किसे करवाते हैं? करवाते इसलिए कि गाय भैंस बच्चेदानी स्वस्थ रहेगा तो सीमन पड़ेगा, या पांच भैंस पाल खाएगा तो वह रुक जाएगी और हमें आमदनी देगी, लेकिन जब नहीं रुक रही है तो हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके सामने लेकर आए आयुर्वेदिक नुस्खा, आयुर्वेदिक नुस्खा जो कि बहुत ही कारगर है, बहुत ही सफल है। मैंने यह वीडियो कहीं पर देखा और अपने पशुपालकों पर फील्ड में यूज करवाया, प्रयोग करवाया और बहुत ही सफल रहा, बहुत ही सफल रहा। तो हमने सोचा क्यों ना यह जानकारी हम अपने परिवार को दे दें, अपने दर्शकों को दे दें। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो हमने कहा कि गाय भैंस बच्चे दानी की सफाई बहुत हो गया, इंटरटेन बहुत हो गया, फिर भी बच्चे दानी स्वस्थ नहीं है, और जो स्वस्थ नहीं रहेगा तो गाय भैंस तुरंत नहीं होगा। स्वस्थ रहने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी पस बनता है, वो नहीं बंद हो रहा है, मान लीजिए वो बंद हो गया, प्राव खंडित आ रहा है, वो भी ठीक हो गया। हर चीज ठीक होने के बाद प्रेग्नेंट नहीं होता तो उसमें दो कारण होते हैं, एक तो समय से सीमन न करवा पाना, आप अपने गाय भैंस की गर्मी पर नहीं जानते कब गर्म हुई, इसका वीडियो हमने बनाकर दिया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं कि सीमन कितने देर में कराया जाए और गाय भैंस गर्म कब होती हैं, उसकी पहचान क्या है, आप देख सकते हैं। और नंबर चार आता है कि हर चीज स्वस्थ रहे फिर भी नहीं रुकता, सीमन भी समय पर हुआ, प्राव भी ठीक है, समय से हीट भी हो रही है, तो इसका कारण ये हो सकता है बच्चेदानी में अंडा खाना बनना। तो एलोपैथ दवा का यूज होता है, अंडा बनने के लिए अलग होगा, सफाई के लिए अलग होगा, लेकिन आयुर्वेद की जो दवा है सब पे काम करता है। तो हम आपके सामने लेकर आए आयुर्वेदिक नुस्खा और ऐसा दवा, ऐसा नुस्खा जो कि आपके घर में मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए 150 ग्राम, क्या लेना है 150 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी और 100 ग्राम घी, 150 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम घी। लेकिन इतना ध्यान रहे, हल्दी केवल 150 ग्राम लेना है और इस दवा को हमें 5 दिन चलाना है, इसलिए घी की मात्रा 100 ग्राम डेली चाहिए, 100 ग्राम डेली चाहिए। हमने क्या क्या बताया, हल्दी और घी, यानी 150 ग्राम घी, 100 ग्राम घी एक दिन में, अर्थात कम से कम 500 ग्राम घी चाहिए आपको, और 150 ग्राम हल्दी, हल्दी लेकर आप पीस लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि अगर बाजार पर हल्दी लेंगे पीसा हुआ तो उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स रहता है, काम नहीं करेगा। और आप 100 ग्राम घी से, 100 ग्राम घी से हलवा बनवा लीजिए, सूजी का हो या आटे का हो। बनवाने के बाद उस हल्दी को 20 ग्राम या कम ज्यादा, जैसे 150 ग्राम में बताया 5-4 दिन आपको चलाना है, तो आप एक 8 भाग कर लीजिए, 7 भाग कर लीजिए, 1 भाग मिला दीजिए उस हलवे में और अपने आप गाय को दे दीजिए, वो खा लेगी। यह प्रक्रिया आपको लगातार 7-8 दिन करना, इतने में बच्चे दानी की ऐसी सफाई होगी, इतना अच्छा होगा कि दोबारा आप समय से अगर हर चीज करवाएंगे तो जरूर प्रेग्नेंट होगी, जरूर गाभिन होगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय।